Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to IEMS Biology Learners. Dear students, in this lecture, we will discuss about a technique used in biology, that is micrometry. Certain terminologies used in micrometry, microscope, and the three scales based on the magnification power of objective lenses. ठीक है, ये टेक्निक बायोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं. इसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिल्स को उनका जो रियल साइज या डायमेंशन है वो हम बताते हैं और नोट करते हैं. ठीक है, द रियल साइज डायमेंशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिल्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक. ठीक है, इसको हम माइक्रोमेट्री क्यों कहते हैं? यू नो, माइक्रो फॉर स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड मेट्री दैट इज टू मेजर. सो सिंपली यू कैन से मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोमेट्री. ठीक है, proper definition, the measurement of dimensions of the desired organisms under the microscope is called micrometry. yahan pe kis cheez ki paimaish hai? dimensions, dimension mean jasamat, length, width, depth, height, theek hai, of the desired organisms under microscope. isme microscope ka istemal bhi hai, theek hai. तो इस फेनोमेना और टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रोमेट्री. जहन में एक सवाल आता है कि माइक्रोस्कोप के जरिए हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जब हम देखना चाहते हैं तो उनको हम देखते हैं, लेकिन हमें फिर किस तरह पता चलेगा कि इन ऑर्गेनिजम्स का जो रियल साइज है, डायमेंशन है, वो क्या है? जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप माइक्रोस्कोप के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को देख ले, यू विल सी द लार्ज ऑब्जेक्ट देन द एपरेंट वन. जाहिरी तौर पर वो उतना नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख लेंगे तो वो उसका साइज बढ़ जाएगा. ठीक है, अब हम किस तरह मालूम करेंगे द रियल साइज और डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनिल्स और माइक्रोस्कोपिक सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख ले. इसी वजह से हम माइक्रोमेट्री का जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करते हैं. इसमें टू टाइप ऑफ डिविजन्स है, टू टाइप ऑफ स्केल्स है. एक को हम कहते हैं अक्यूलर डिविजन और अक्यूलर माइक्रोमीटर, आईपीस ग्रेटिक्यूल भी इसको कहते हैं, और एक है स्टेज माइक्रोमीटर. इन दोनों की वजह से हम एक डिवीजन का पैमाइश निकालते हैं और उसी के बुनियाद पे हम रियल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिल्स और द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उसको फिर हम मालूम करते हैं. ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे. यहां पे आप देख ले सर्टन टर्मिनोलॉजीज हैं. अक्यूलर माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप को आप जरा देख ले, ये आईपीस हैं, आपने शायद देखा होगा. ये माइक्रोस्कोप जनरल सिंपल माइक्रोस्कोप हैं, इसमें ये जो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं आईपीस. ठीक है, अब इस आईपीस के अंदर जो स्केल हम लगा लेते हैं हैविंग स्मॉल डिविजन्स, उस स्केल को, उस माइक्रोमीटर को फिर हम कहते हैं अक्यूलर माइक्रोमीटर. ये यहां पे हम लगाते हैं, इसके नीचे यहां पे ये माइक्रोमीटर मौजूद होता है ताकि मेजरमेंट हो जाए. ठीक है, इसके साथ ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तीन ऑब्जेक्टिव्स लगे हुए हैं हैविंग डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर्स. ये लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये जो है बेस एंड दिस इज द स्टेज, ठीक है, और ये अलाइनमेंट है. बाकी हम बोर्ड की तरफ आप देख ले. तो अक्यूलर माइक्रोमीटर क्या है? द माइक्रोमीटर विच इज यूज टू मेजर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द आईपीस इज नोन एज अक्यूलर माइक्रोमीटर, आल्सो नोन एज आईपीस ग्रेटिक्यूल.
eyepiece, graticule. ठीक है, अब स्टेज माइक्रोमीटर क्या है? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऑक्यूलर और आईपीस ग्रेटिक्यूल आपके सामने है, हैविंग स्मॉल डिविजन्स। एंड रिमेंबर आईपीस ग्रेटिक्यूल और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज अननोन, हमें मालूम नहीं होती। क्यों? वजह यह है कि हम जब मैग्निफिकेशन पावर चेंज करते हैं, 4x अगर हम 10x कर लेते हैं, तो उसका जो मेजरमेंट है डिवीजन, एक डिवीजन का जो स्केल है, एक डिवीजन यहां पे, एक डिवीजन, दीज आर 100 डिवीजन, वन डिवीजन देन बिकम अननोन बिकॉज द मैग्निफिकेशन पावर चेंज। जब मैग्निफिकेशन पावर हम चेंज कर लेते हैं, तो उसी वजह से आईपीस में जो ग्रेटिक्यूल लगा होता है, माइक्रोमीटर लगा हुआ होता है, तो वो अननोन बन जाता है बिकॉज मैग्निफिकेशन चेंज इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर ये अननोन होता है, और हर मैग्निफिकेशन के साथ इसको जो है हम कैलिब्रेट करते हैं। अब कैलिब्रेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज स्टेज माइक्रोमीटर। अ माइक्रोमीटर यूज्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्टेज हैविंग स्मॉल डिविजन्स इज नोन एज स्टेज माइक्रोमीटर। पिक्चर में आप देख ले, स्टेज माइक्रोमीटर्स आपको नजर आएंगे, दीज आर द स्टेज माइक्रोमीटर्स। उसके साथ जो है स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, ठीक है। सो वन इज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एंड द सेकंड वन इज स्टेज माइक्रोमीटर। अब स्टेज माइक्रोमीटर हम यहां पे रख लेते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान में रख ले, स्टेज माइक्रोमीटर इज नॉन, क्योंकि यहां पे इसका एक यूनिट, एक डिवीजन का जो साइज होता है, दैट इज नॉन एंड दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, ये नॉन है, ठीक है। आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ। Here are three objective lenses. One lens is an eyepiece and three are in objectives. 4x magnification power, 10x magnification power, 40x, 60x, 80x. इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। So these are objective lenses. Eyepiece, जिस तरह मैंने बता दिया, माइक्रोस्कोप में जो ये लेंस इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए हम आई के जरिए हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं आईपीस, ठीक है। इसके बाद कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप अकॉर्डिंग टू द स्टेज माइक्रोमीटर एंड ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, दोनों की बुनियाद पे जो एडजस्टमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। अब ऑक्यूलर कैलिब्रेशन क्या है? ऑक्यूलर कैलिब्रेशन याद रख ले, यहां पे हम माइक्रोमीटर रख लेते हैं, और यहां पे भी जो नॉन माइक्रोमीटर है स्टेज के ऊपर रख लेते हैं, इसका इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर कैलिब्रेशन क्या है? यहां पे इस नॉन की बुनियाद पे, इनकी वजह से, इस स्टेज माइक्रोमीटर की वजह से, हम यहां पे वन डिवीजन की पैमाइश निकाल लेते हैं, उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम रियल साइज और डायमेंशन जो है वो हम बता सकते हैं। सो दैट इज द ऑक्यूलर कैलिब्रेशन, द एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्यूलर आईपीस अकॉर्डिंग टू द स्टेज माइक्रोमीटर इज नोन एज अ ऑक्यूलर कैलिब्रेशन। आपको पता है, हम अगर बता दें कि बैक्टीरियल सेल साइज क्या है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल साइज अगर हमें मालूम है, दैट इज नॉर्मली फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हमें कहां से, ये अंदाजा, ये डायमेंशन कहां से हमें मिली है? दैट इज ड्यू टू द टेक्निक ऑफ माइक्रोमीट्री, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है, मेमालियन न्यूक्लियस, दैट इज अबाउट
एवरेज 6 माइक्रोमीटर. तो ये रियल साइज हमने किस तरह मालूम की है? ये रियल साइज हमने माइक्रोमीटर के जरिए मालूम किया हुआ है. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहां पे वन. और अगर आप कहें कि माइटोकांड्रिया का जो साइज है, माइटोकांड्रिया दैट इज फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, तो ये अंदाजा हमें कहां से हुआ है? ये अंदाजा, ये रियल डायमेंशन हमने माइक्रोमीटर के जरिए मालूम किया है. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं. दो बातें जहन में रख ले, आई पीस ग्रेटिक्यू दैट इज द ब्लैक हैविंग 100 डिविजन्स. बात समझ आ रही है? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. यहां पे पिक्चर में आप देख ले, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है वेरी स्मॉल. यहां पे मैंने लार्ज ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए. पिक्चर में आप देख सकते हैं द अक्यूलर माइक्रोमीटर. ठीक है, और स्टेज माइक्रोमीटर हैविंग 100 डिविजन्स आल्सो. ठीक है ना, तो यहां पे ये 100 डिविजन्स हैं. पिक्चर में आप देख ले, 100 डिविजन्स आर देयर एंड दिस इज नोन एज द स्टेज माइक्रोमीटर. याद रख ले, ये 10 डिविजन्स वाले भी आते हैं. ठीक है, बात समझ आ रही है? यहां पे हम 100 डिविजन्स वाले वो डिस्कस करेंगे. यहां पे आप देख ले, द ब्लैक वन दैट इज अक्यूलर माइक्रोमीटर, द ब्लू वन दैट इज स्टेज माइक्रोमीटर, द ब्लैक वन दैट इज अक्यूलर माइक्रोमीटर एंड द ब्लू वन दैट इज द स्टेज माइक्रोमीटर. आइए देखते हैं हम माइक्रोमीट्री करते किस तरह हैं. थोड़ा खुलासा जो है मैं बता देता हूं, उसके बाद हम वन बाय वन मैथमेटिकली वो प्रूफ करते हैं. ठीक है, याद रख ले, आई पीस जब हम लगाते हैं उसके बाद अगर 4x लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होता है? हमें यहां से 1 डिविजन का जो वैल्यू है मिलीमीटर में और माइक्रोमीटर में वो हम मालूम करते हैं एंड दिस इज नोन एज अक्यूलर कैलिब्रेशन. उसके बाद हम ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है ये हटा देते हैं और हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनेलीज है वो हम यहां से फिर अक्यूलर माइक्रोमीटर के जरिए हम मालूम करते हैं. बाद में हम बताते हैं ठीक किस तरह. उसके बाद मैग्निफिकेशन हम चेंज कर ले, 10x लगा लेते हैं, उसके बाद 40x लगा लेते हैं और उसके बाद 80x, 60x जो भी हो. ठीक है, सो दैट इज नोन एज द ऑक्यूलर कैलिब्रेशन. आइए देख ले, आपको पता है यहां पे आई पीस वी नॉर्मली यूज द आई पीस दैट इज द 10x आई पीस. यहां पे आप जरा देख लें. ठीक है, इसको अगर मैं 4x ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ इस्तेमाल करूं, 4x ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, 10x का मतलब है 10 गुना. अगर 4x ऑब्जेक्टिव लेंस में इस्तेमाल करूं, मैंने बता दिया है मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में ये हो चुका है, सो इट बिकम्स 40x मैग्निफिकेशन. ठीक है, 40x मैग्निफिकेशन में हम पहले क्या करते हैं? पहले जो है हम स्टेज माइक्रोमीटर का जो रियल लेंथ है वो मालूम करते हैं और उसके बाद अक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं. किस तरह? यहां पे देख लें, अगर मैं कहूं 10x स्टेज माइक्रोमीटर को पहले देख ले, स्टेज माइक्रोमीटर में अगर मैं कहूं कि दिस इज द स्टेज माइक्रोमीटर एंड यू नो दैट 0, 1, 2, 3 अप टू 100 टोटल डिविजन्स आर 100 डिविजन्स. ठीक है, स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर यहां पे 100 डिविजन्स मौजूद होते हैं और 100 डिविजन्स इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. ये 1 मिलीमीटर के बराबर है. ठीक है, आपको पता है
1 inch is equal to 2.54 centimeter. जरा मिलीमीटर की तरफ आते हैं. 1 inch is equal to 2.54 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter, and 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. ये बात ध्यान में रखिए, अपने पास नोट करते जाए. ठीक है, अब यहां पे ये 100 divisions हैं. 100 divisions is equal to 1 millimeter. ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक डिवीजन, 1 division विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो यहां पे एक 1 division ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/100, सो इट बिकम 0.01 millimeter. ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई. ठीक है, यहां पे आप देख ले, इसको हम ऑक्यूलर कैलिब्रेशन में इस्तेमाल करेंगे. ये हमारे पास के स्टेज माइक्रोमीटर है, दैट इज 100 divisions, टोटल इसमें 100 divisions हैं. ठीक है, छोटे छोटे, ये बराबर है 1 millimeter के. अब एक डिवीजन, इसमें जो एक डिवीजन है यहां पे, ये कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? तो एक डिवीजन, 1 division दैट इज डिवाइडेड बाय 100, सो दैट बिकम 0.01 millimeter. ठीक है, सेकंड वैल्यू की तरफ आते हैं. अगर 100 divisions है ये सारे, स्टेज माइक्रोमीटर की बात हो रही है, दैट इज 1 millimeter. 100 divisions है, सो 1 millimeter के बराबर है. तो 1 millimeter इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर? सो यू नो दैट 1 millimeter इज इक्वल टू 1000 micrometer. यह हमें पता है ना, 1 millimeter 1000 micrometer के बराबर है. 100 divisions है, सो दैट इज इक्वल टू 1 millimeter, और 1 millimeter 1000 micrometer के बराबर है. तो मुझे ये मालूम करना है, यहां पे देख ले कि 1 division, 1 division इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर? 1 division इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर? तो यहां पे आप देख ले, 1 division, 1 division इज इक्वल टू 0.01 millimeter मल्टीप्लाई बाय 1000 micrometer. बात समझ आ रही है? 1 division इज इक्वल टू 0.01 millimeter मल्टीप्लाई 1000 micrometer. जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास 1 stage division इट बिकम इक्वल टू 10 micrometer. ये सेकंड वैल्यू है. व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज यू नो स्टेज माइक्रोमीटर दैट इज कांस्टेंट, एंड दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज वी विल कैलिब्रेट द अक्यूलर माइक्रोमीटर एंड विल एबल टू फाउंड द रियल साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलीज एंड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो यहां पे एक डिवीजन 0.01 millimeter के बराबर है, और एक डिवीजन स्टेज डिवीजन दैट इज इक्वल टू 10 micrometer. एक डिवीजन का जो साइज है वो 10 micrometer निकला. बात समझ आ रही है? सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेज माइक्रोमीटर. अब हमारा जो पहला स्टेप है, बाय यूजिंग 4DX ऑब्जेक्टिव लेंस हाउ वी विल कैलिब्रेट द आईपीस ग्रेटिट्यूड. यहां पे आप देख ले, यहां पे हमारे पास जगह नहीं है, तो इसलिए हम ये साफ कर लेते हैं और इस साइड पे हम ये कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पे हमने मालूम किया कि 1 division, ये दो वैल्यूज जो है हमें मालूम है, दैट 1 division इज इक्वल टू 0.01 millimeter, और जो दूसरा वैल्यू है दैट इज 1 stage division इज इक्वल टू 10 micrometer.
एक डिवीजन स्टेज माइक्रोमीटर का वो 0.01 मिलीमीटर के बराबर है और वन स्टेज डिवीजन वो 10 माइक्रोमीटर के बराबर है। बात समझ। यहां पे अब बात करते हैं द फर्स्ट अक्यूलर कैलिब्रेशन। यहां पे अब देख ले, अगर हम 10x आईपीस ग्रेटिक्यूल इस्तेमाल करें, आईपीस और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस के 4x, यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस अगर हम 4x इस्तेमाल करें ऑब्जेक्टिव लेंस, सो द टोटल मैग्निफिकेशन बिकम 40x। अब अक्यूलर अक्यूलर मैग्निफिकेशन या अक्यूलर जो एडजस्टमेंट है, कैलिब्रेशन है, 40x टोटल मैग्निफिकेशन पे अक्यूलर कैलिब्रेशन क्या होगी। ठीक है, हमें पता है कि स्टेज माइक्रोमीटर पे वन डिवीजन दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर एंड इज आल्सो इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। यहां पे आप देख ले, ठीक है। अब अगर मैं कहूं 100 डिवीजन्स दैट विल बिकम 1000 माइक्रोमीटर, 100 डिवीजन दैट इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेज माइक्रोमीटर का। और आप यहां पे देख ले, दिस 100 डिवीजन इज इक्वल टू 40, जीरो से लेके 40 तक ये इलाका आपको नजर आएगा माइक्रोस्कोप में, इट विल इक्वल टू 40 बाय यूजिंग 4x एंड 10x मैग्नीफाइंग पावर, द टोटल ऑफ 40x। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40 अक्यूलर, क्या कह सकता हूं, 40 अक्यूलर डिविजन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर, दैट इज 100 डिविजन्स या 1000 माइक्रोमीटर। अगर 40 अक्यूलर डिविजन्स ये 100 के बराबर है स्टेज माइक्रोमीटर, ये मैग्निफिकेशन है, तो वन अक्यूलर डिविजन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। बात समझ आ रही है, 4x और 10x मैग्नीफाइंग पावर, द टोटल इज 40x मैग्नीफाइंग पावर। इसको अगर आप इस्तेमाल करें और स्टेज माइक्रोमीटर को आप देख ले तो ये इतना नजर आएगा आपको। तो इससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, अक्यूलर कैलिब्रेशन कर सकते हैं, किस तरह 40 अक्यूलर डिविजन्स आर इक्वल टू 100 डिविजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर एंड दैट 100 डिविजन इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, यू नो, ठीक है, एंड यू नो दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब 1 अक्यूलर डिविजन वो कितने माइक्रोमीटर के बराबर होगी, ताकि हमें अक्यूलर डिविजन मिल जाए, वो एक डिवीजन का माइक्रोमीटर हमें मिल जाए, तो हम फिर स्टेज माइक्रोमीटर हटाएंगे और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म हमें देखना होता हो तो वो हम देखेंगे और उसका रियल साइज हम निकालेंगे। ठीक है, तो याद रख ले, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो किस तरह बनेगा, वन अक्यूलर डिवीजन मल्टीप्लाई 1000 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 40 अक्यूलर डिवीजन। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 40 अक्यूलर डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे, सो वन अक्यूलर डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 1000 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 40 अक्यूलर डिवीजन। इसको भी 40 अक्यूलर डिवीजन पे तकसीम करेंगे और इसको भी 40 अक्यूलर डिवीजन पे तकसीम करेंगे। यहां पे देख ले, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास
1000 micrometer divided by 40 is equal to how many micrometer? ठीक है, तो यहां पे आप देख ले जरा, इट विल क्रॉस दिस जीरो, ठीक है, एंड 425, सो इट बिकम 25 micrometer. वन अक्यूलर डिविजन by using the total magnification of 40x, I mean 4x objective lens and 10x eyepiece lens, the one ocular division become equal to 25 micrometer. यहाँ पे आप देख ले, एक division का जो length है हमारे पास वो है 25 माइक्रोमीटर. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है एंड दैट इज इन बिटवीन दीज सेक्स डिविजन्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन बिटवीन 10. यहां पे आप देख ले, फिर हमें पता है कि वन ऑक्यूलर डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर, 25 माइक्रोमीटर. ठीक है, अब 25 माइक्रोमीटर है एक डिवीजन ऑक्यूलर का, बराबर जो है 25 माइक्रोमीटर है. अब यहां पे ये ऑर्गेनिज्म जब मैं देखूंगा आईपीस में और ये मुझे पता है कि 10 डिविजन्स के बराबर आ रहा है ये ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेली, तो इस तरह पर हम मल्टीप्लाई करेंगे. वन ऑक्यूलर डिविजन इज इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 डिविजन्स, यू नो 10 डिविजन्स, बात समझ आ रही है? तो यहां पे 25 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 मल्टीप्लाई 10, 5 0 आर 0, 0, 5 1 आर 5, 2 1 आर 2, सो इट बिकम 250 माइक्रोमीटर. बात समझ आ रही है? ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि यहां पे ऑर्गेनिज्म इट इज इन बिटवीन टू डिवीजन और थ्री डिवीजन, कोई ऑर्गेनिज्म है वो तीन डिवीजन में आ रहा है, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75 माइक्रोमीटर. अब इस ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेली का जो साइज है, डायमेंशन है, वो 75 माइक्रोमीटर है. सो दिस इज नोन एज अक्यूलर कैलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू 4x एंड 10x मैग्निफिकेशन पावर, द टोटल ऑफ 40x. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हमें पता है कि यहां पे 100 डिविजन्स आर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर ऑफ स्टेज. अब सेकंड यहां पे आप देख ले, अगर मैं 10x आईपीस लेंस दैट इज 10x विल मल्टीप्लाई विद 10x ऑब्जेक्टिव लेंस, द टोटल बिकम 100x मैग्निफिकेशन. अगर 100x मैग्निफिकेशन में मैं कोई ऑर्गेनिज्म देखना चाहूं तो उसके लिए मैं 10x आईपीस इस्तेमाल करूंगा लेंस और 10x ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करूंगा. तो यहां पे माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह नजर आएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, 0 विद 0 एंड 100 विद 100. दैट इज द स्टेज माइक्रोमीटर एंड दिस इज द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर. ठीक है, पिक्चर में आप देख ले स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर दोनों, ये इस तरह आपको नजर आएंगे. ठीक है, अब हमें पता है कि वन स्टेज यूनिट, यहां पे वन स्टेज यूनिट इट इज इक्वल टू वन स्टेज डिवीजन इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर.
अब अगर 100 डिविजन्स हो दैट इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 100 डिविजन 100 के बराबर आ रहे हैं, वहां पे 100 डिविजन 40 के बराबर आ रहे थे, इसलिए हम 40 डिविजन इज इक्वल टू 1000 मैंने लिख लिया था। अब यहाँ पे 100 स्टेज डिविजन दैट इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, सो 1 ऑक्यूलर डिविजन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 ऑक्यूलर डिविजन मल्टीप्लाई 1000 माइक्रोमीटर, या इसके साथ क्रॉस किया, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 1000 स्टेज डिविजन्स, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 100 स्टेज डिविजन्स, बिल्कुल उसी तरह सेम प्रोसेस है, ठीक है, 100 स्टेज डिविजन्स ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, ये डिविजन इसके साथ, सो इट विल बिकम 1000 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। यहाँ पे आप देख ले, ये सिफर इसके साथ और ये सिफर इसके साथ कट जाएगा, सो इट विल बिकम 10 माइक्रोमीटर। दोबारा जो है आप देख लें, बाय यूजिंग 10x आईपीस लेंस एंड 10x ऑब्जेक्टिव लेंस द टोटल मैग्निफिकेशन इज 100x। वन ऑक्यूलर डिविजन हेयर, वन ऑक्यूलर डिविजन इज नाउ इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, वहां पे वन ऑक्यूलर डिविजन दैट वाज 25 माइक्रोमीटर, नाउ हेयर वन माइक्रो वन ऑक्यूलर डिविजन दैट इज वन ऑक्यूलर डिविजन इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स 10 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, और ये इसलिए अननोन होता है, ठीक है, वहां पे 25 माइक्रोमीटर आ रहा है, यहां पे 10 माइक्रोमीटर आ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज अननोन एंड स्टेज माइक्रोमीटर इज नोन, और ये जो साइज जो है बढ़ रहा है ये मैग्निफिकेशन की वजह से, यहां पे मैग्निफिकेशन 4x है तो साइज इतना आपको नजर आएगा, यहां पे मैग्निफिकेशन 100x है, ठीक है, या 10x है, टोटल ऑफ 100x आपको इतना नजर आएगा। अब अगर हम 40x मैग्निफिकेशन इस्तेमाल करेंगे, 400 ऑफ टोटल x, देन इट विल लुक लाइक दिस, वी विल ओनली गेट द 10 वैल्यूज, हम सिर्फ 10 वैल्यूज पर इस्तेमाल करेंगे। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म वो यहां पे ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में, फॉर एग्जांपल यहां पे 4 डिविजन्स के दरमियान आ रहा है, या फॉर एग्जांपल यहां पे 20 डिविजन्स के दरमियान आ रहा है, जो भी हो हम 4 को ले लेते हैं, हमें पता है 1 डिविजन ऑफ ऑक्यूलर डिविजन इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। अब अगर 4 डिविजन्स में आ रहा है, सो 10 × 4 = 40 माइक्रोमीटर, द साइज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज 40 माइक्रोमीटर। अब अगर 20 डिविजन्स में ये जो है लिखाई वन ऑक्यूलर यूनिट, आपको अगर ऑर्गेनिज्म 20 डिविजन्स के अंदर नजर आ रहा है, सो दैट विल बिकम 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, सो दैट इज 200 माइक्रोमीटर। That's why we are saying that ocular micrometer is unknown and stage micrometer is known. By using 100 of total, 100x of total magnification, the one ocular unit will be, one ocular division will be, ocular division will be 10 micrometer. ठीक है? उसके बाद जो है, हम अगर 400x इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? अच्छा जी, the third one. अगर हम 10x आईपीस लेंस वही और 40x ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल कर लेंगे, द टोटल इज इक्वल टू 40x मैग्नि 400x का
और मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, माइक्रोस्कोप में जब हम ये, आपको पता है ये क्या है, ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है और ये स्टेज माइक्रोमीटर है। सो तस्वीर में आप देख ले, यू कैन ओनली सी दीज पार्ट्स ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर, क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन को ज्यादा किया है, सो यू कैन नॉट सी द अदर पार्ट ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर इन द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, जहां पे हमें ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और लेंस में जो इलाका नजर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो सिर्फ ये इलाके आपको नजर आएंगे, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, बिल्कुल वही तरीका है जैसा कि हमें पता है, वन स्टेज डिवीजन इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, वन स्टेज डिवीजन इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। अब यहां पे सिर्फ 10 डिवीजन्स जो है वो 10, 20, 30, 40, 40 डिवीजन्स के बराबर जो है वो सिर्फ 10 डिवीजन्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि 10 डिवीजन्स, 10 स्टेज डिवीजन्स मल्टीप्लाई बाय 10 स्टेज डिवीजन्स जो हैं वो बराबर हैं किसके, 40 डिवीजन्स ऑफ आईपीस माइक्रोमीटर। सो 10 डिवीजन्स वो कितने के बराबर है, वो 40 ऑक्यूलर डिवीजन के बराबर है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 10 स्टेज डिवीजन्स हैं और हर डिवीजन में 10 माइक्रोमीटर हैं, इट विल बिकम 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहां पे अब मैं कह सकता हूं कि 40 डिवीजन्स या 40 ऑक्यूलर डिवीजन इट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिवीजन्स, यहां पे आप देख ले 100 माइक्रोमीटर। ये क्यों हमने इस तरह लिया, क्योंकि यहां पे स्टेज माइक्रोमीटर का सिर्फ यही इलाका आपको नजर आता है, एंड वी विल कैलिब्रेट विद द आईपीएस रेटिक्यूल एंड दैट 10 डिवीजन्स आर नाउ इक्वल टू 40 डिवीजन्स, इससे ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगे माइक्रोस्कोप में। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक डिवीजन 10 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो 10 डिवीजन्स जो है वो कितने माइक्रोमीटर के बराबर होंगे, 100 माइक्रोमीटर के बराबर होंगे। अब अगर 40 डिवीजन्स 100 माइक्रोमीटर के बराबर हैं, तो वन डिवीजन किसके बराबर होगा, ठीक है, देन वन ऑक्यूलर डिवीजन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। बिल्कुल वही तरीका है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वन ऑक्यूलर डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 100 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर एंड 40 ऑक्यूलर डिवीजन, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 40 ऑक्यूलर डिवीजन, डिवाइड बोथ साइड बाय 40 ऑक्यूलर डिवीजन, इसके साथ कट जाएगा ये डिवीजन इसके साथ, सो इट विल बिकम 100 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 40। यहां पे देख ले, इसके साथ कट जाएगा 4 1 4 4 2 8 एंड 2.5, सो यहां पे 2.5 माइक्रोमीटर, वन ऑक्यूलर डिवीजन इज नाउ इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर दैट इज अननोन, पहले में 25 माइक्रोमीटर आ रहा था, दूसरे में 10 माइक्रोमीटर आ रहा था बाय चेंजिंग मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, और तीसरे में 2.5 माइक्रोमीटर नजर आ रहा है। अब अगर कोई ऑर्गेनिजम्स यहां पे इन चार डिवीजन्स के दरमियान माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है, या दो डिवीजन्स के दरमियान माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है, तो यहां पे आपको पता है वन डिवीजन इज इक्वल टू 2.5, सो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर।
अगर बैक्टीरिया को हम देख ले, दैट इज फ्रॉम 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर. सो यू कैन ओनली सी द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ 40x आर बिलो 40x मैग्निफिकेशन. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये सारा कुछ जो है दैट इज ऑल अबाउट माइक्रोमीट्री. यू नो इट इज लॉजिकल टॉपिक, मैथमेटिकल टॉपिक, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सीधी सादी बात है, स्टेज माइक्रोमीटर इज कांस्टेंट, 100 डिविजन्स इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर. द टोटल लेंथ ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर इज 1 मिलीमीटर, वो मैंने आपको बता दिया. अब जब आप ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को स्टेज माइक्रोमीटर के जरिए कैलिब्रेट करते हैं, उसकी वजह से मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस वो चेंज होगी. जब मैग्नीफाइंग लेंस आप चेंज करेंगे तो उसी वजह से ऑक्यूलर, 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ आएगा. ठीक है, यहाँ पे 25 माइक्रोमीटर, यहाँ पे 10 माइक्रोमीटर आ रहा था और यहाँ पे 2.5 माइक्रोमीटर आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू मुख्तलिफ आएगी और इसी वजह से छोटे ऑर्गेनिज्म को आप देख पा सकेंगे, डायमेंशन को आप मालूम कर सकेंगे. किस तरह? अगर इससे भी कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है, ऑर्गेनिली इससे भी स्मॉल है, ऑर्गेनिज्म इससे भी स्मॉल है, तो फिर हम 80x मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करेंगे. अगर 80x ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे फिर ऑक्यूलर जो डिवीजन है दैट मे बिकम 0.5 माइक्रोमीटर. ठीक है ना? तो ये सारा जो है, ये सारा कुछ दैट इज अबाउट माइक्रोमीट्री. अब हम मैग्निफिकेशन पावर लेंस का जो ज्यादा कर लेते हैं, उसी वजह से हम स्मॉल से स्मॉल ऑर्गेनिज्म हम मालूम मेजर कर सकते हैं. बात समझ आ रही है? तो यहां तक के लिए इंशाल्लाह काफी है. उम्मीद रखता हूं आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा. ठीक है, आप समझ चुके होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.